नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र में गुलदार और तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों हुए घटना से स्थानीय ग्रामीणों में गुलदार और तेंदुए की दहशत बनी हुई है। हालांकि वन विभाग टीम की ओर से लुहेड़ा में लगाए गए पिंजरे में गुलदार और तेंदुआ नहीं फंस पाया है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के बाद वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण के नेतृत्व में वन विभाग टीम ने पिंजरे की लोकेशन बदल दी है। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार और तेंदुए की दहशत से बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करनी मुश्किल हो गई है। तल्ला सल्ट के लुहेड़ा, हरड़ा, मोलेखी, रतनकोट सहित अन्य क्षेत्रों में गुलदार और तेंदुए की दहशत बरकरार है। बीते दिनों में गुलदार और तेंदुए ने लोगों पर हमला करने के साथ कई मवेशियों को निशाना बना लिया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार और तेंदुआ खुलेआम घूमता दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने डर के कारण बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। महिलाएं चारे के लिए जंगल या आसपास जाने से बच रही हैं। वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि बीते दिनों लुहेड़ा गांव में घायल महिला के बाद वन विभाग टीम ने पिंजरा और ट्रैप कैमरा लगाए हैं। स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के बाद पिंजरे की लोकेशन बदल दी गई है और ट्रैप कैमरे की संख्या बढ़ा दी गई है। तो वहीं वन विभाग टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों को समूह में जाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। पिछले दिनों एक महिला को घायल किया गया था तेंदुए द्वारा, उसके क्रम में हमारी टीम ने कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगा के लगातार गश्त कर रही थी। और इसी दौरान आज पुनः लोगों के कहने पे और जो हमारे जो डेटा प्राप्त हुआ है, जो निरीक्षण में जो लोगों ने देखा है, उसके अनुसार लोगों की सहमति से आज हमने अपना पिंजरा शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया है और कैमरा ट्रैप भी हमने बढ़ा दिए हैं और लगातार गश्त भी कर रही है टीम। और अभी लगाने के बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है और पूरे प्रयास कर रही है टीम कि जल्द से जल्द ये तेंदुआ जो है पकड़ा जाए और लोग जो है राहत की सांस लें। ये थी हमारे संवाददाता गोविंद रावत की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।